मीरगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 से दहेज को लेकर एक महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मृत महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पूर्णिया भेज दिया। मृत महिला की पहचान 24 वर्षीय सहनाज खातून पति मोहम्मद रब्बान के रूप में हुआ है। घटना गुरुवार देर रात की बताई जाती है। घटना के बाद मृतका के पिता कजरा गांव निवासी मोहम्मद सदरुल ने मृतका के पति ससुर सहित कुल 8 लोगों पर दहेज प्रताड़ना का मामला थाना में दर्ज कराया है। सिटी हलचल के लिए मीरगंज से सोनू कुमार झा की रिपोर्ट। क्या मामला है? मामला यह था कि मेरे बहन को ये लोग रिजवान और रब्बान जुबेर गुफरान यानी इसका फैमिली का जितना भी सदस्य है महिला जेंट सब ने गला दबा कर मेरे बहन को जान मार दिया। लगता है तो रस्सी का दाग, लेकिन पता नहीं लगता है रस्सी का है कि ओढ़नी का, लेकिन दाग तो है। ये कितना बजे का घटना है? तकरीबन 7 बजे मेरी बहन हमसे बात किया और 8:30 बजे तकरीबन ऐसा घटना हुआ कि डायरेक्टली फोन आया कि मर गया आपका बहन। कौन सूचना दिया था आपको? घोषणा यह दिया था गुफरान। गुफरान अभी तक रब्बान हमको कॉल नहीं किया है, नहीं उठाया है। रब्बान कौन है? रब्बान मेरा जीजा हुए। मामला यही था कि 2019 में इस बच्ची का शादी कराया गया मीरगंज में, जिस जो भी देने का था तिलक में दिया, स्कॉर्पियो भी उसको तिलक के एवज में दिया गया। उसके भी इसके परिवार का बार बार का यही ये था कि और पैसा लाओ अपने मायके से, 5 लाख का फिर डिमांड हुआ, जो कि नहीं पूरा करने पर इसको सभी परिवार मिल कर करके एक साजिश के तहत बना कर करके इसको मारा गया। जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोग इसके घर पर आए। घर पर आने के बाद लड़की को ये लोग गायब रखा था, पुलिस पूर्णिया ले गए। पूर्णिया भी हम लोग पहुंचे, पूर्णिया में भी नहीं मिला। फिर 2 घंटे के बाद बोलता है ठीक है घर पे आ गए हम लोग। घर पर जब आ गए, घर पर आए, घर पर देखे, देखने के बाद सुबह में फिर हम लोग थाना परवाड़ी के पास पहुंचे और उसको लेकर के आए, जो कि अपने परिवार को लेकर के हम लोग जा रहे हैं पोस्टमार्टम के। आपका क्या परिचय हुआ? मोहम्मद इकबाल मंसूरी है। हम लोग को 8 बजे करीब मालूम हुआ, झंझट हुआ। और उसके बाद मालूम हुआ क्या कि रिजवान को कहा रब्बान ने, रिजवान और सहनाज दोनों जो फैसला करना है तुम दोनों अपने में कर लो, हम अब जाते हैं। यही सब हमको मालूम हुआ। और उसके बाद हम लोग मीरगंज आए तो लहास को नहीं देखने दिया। करीब करीब हम लोग अभी 8 बजे आए हैं तब यहाँ लहास को मीरगंज में देख रहे हैं। घटना कितने बजे का है? घटना वही करीब करीब 8:30 में हुआ। और रात में आप लोग को लहास नहीं देखने के दिया? नहीं सर, हम लोग आए घर से कजरा से, लेकिन हम लोग को लहास नहीं देखने दिया। कहा कि पूर्णिया में है तो वहाँ है तो वहाँ है, वहाँ भी आदमी गया नहीं मिला। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नूर सलाम। और जो डेट किया वो कौन है आपका? पोती हुआ। शक किस पे जा रहा है आपका? शक जा रहा है वो उसी सब परिवार पर। क्या नाम है वो लोग का जो जिस पे शक जा रहा है? रिजवान, रब्बान, गुफरान, जुबेर, उसका सभी पत्नी, परिवार, सास ससुर, पूरे परिवार पे। आपको पूरे परिवार पर शक है? जिसके साथ दर्द मारा है ना, सब मिले ठीक होता है। हम बेटी का ब्याह किए थे 2019 में मुद्दी का बेटा रब्बान से, रिजवान जो उसका बड़ा भाई आया था लुधियाना से, काल झगड़ा किया बात बात हमारी बेटी को जान मार कर सब मिल करके मार के रख दिया। कौन कौन मिल करके मारा है? रिजवान, रब्बान, गुबरान, जुबेर, इन लोगों का पत्नी, सभी जो सारे आदमी मिल करके सास ससुर सब मिल करके मेरे बेटी को गला दबा करके जान मार दिया। ये कितना बजे का घटना है? 8:30 बजे रात में कल हम लोगों को मालूम हुआ आए देखने के लिए। 10:30 बजे रात तक कुछ तो रे नहीं दिया देखने के लिए, लरवा में छुपा कर रखा, कहाँ छुपा कर रखा, लाश को देखने तक लेकिन नहीं दिया। अभी लाश बरामद की है पुलिस।
अभी बरामद हुआ है, उससे पहले लहास को नहीं देखने दिया, नहीं देखने दिया है। रात को इतने रे कापुर क्या है वहाँ है यहाँ, भारत वो खा के मार दिया, वो खा करके। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सदरुल, सदरुल। ये लड़की जो डेट की है वो कौन है आपका? हमारी लड़की है, लड़की है, पिताजी है। ठीक जी, मैं रजत कुमार सिंह। मेरा नाम राजकुमार चौधरी हुआ। देवी शर्मा। पहली बार ही आया हूँ लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब बिग शॉप खुला है तब से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। आपका बिग शॉप बहुत अच्छा है। लगन का कपड़ा तो खास करके यहाँ बहुत ही सस्ता मिल रहा है। पहला चॉइस तो बिग शॉप ही रहता है वेडिंग के लिए। यहाँ कलेक्शन भी पूरे पूर्णिया से भी बहुत अच्छा है। कलेक्शन अच्छा है आपका, बहुत ही सस्ता दाम पे अच्छा अच्छा कपड़ा मिल रहा है, हर चीज मिल जाता है बढ़िया से। और आपके स्टाफ का जो भी है ठीक बढ़िया है? स्टाफ वगैरह जो है जो भी है बहुत ही उनका बिहेव तो सुंदर लगा है, बहुत बढ़िया, सबका अच्छा व्यवहार है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस तो इसका मत ही पूछा जाए, बहुत कन्वीनियंट है आपके यहाँ रेट क्वालिटी। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी आकर यहाँ पे इनका लाभ लें। सजेशन रहता है कि बिग शॉप में लीजिए।